बत्ती गुल मीटर चालू एंटरटेनमेंट विद अ कॉज टाइप की फिल्म है, जहां सभी एनर्जेटिक एक्टर्स यानी शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम और देवेंद्र शर्मा ने अपनी इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस से फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। ये फिल्म इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, पावर आउटेजेस, इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और फॉल्टी मीटर्स पर आधारित है, जहां दिखाया गया है कि किस तरह करप्टेड सिस्टम की वजह से आम इंसान को भुगतना पड़ता है। इस फिल्म की शूटिंग खूबसूरत लेकिन बिजली की तंगी से जूझ रहा स्टेट उत्तराखंड में हुई है। द फिल्म इज रस्टिक लेकिन इसका हर एक सीन काफी क्वर्की है। शाहिद कपूर एक चुलबुले लेकिन शार्प लॉयर सुशील कुमार पंत का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं श्रद्धा कपूर भी बबली गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार निभा रही हैं। वहीं दूसरी ओर यामी गौतम ने प्रूडेंट लॉयर के रूप में अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। ये पूरा प्लॉट तब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है जब दिव्येंदु शर्मा का किरदार फिल्म में सुसाइड कर देता है, और फिर किस तरह शाहिद कपूर अपने दोस्त को जस्टिस दिलाने के लिए पूरे सिस्टम से बगावत करते हैं, ये ही फिल्म का आधार है। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, तो हर एक सीन और हर एक इमोशन फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। गाने भी काफी मजेदार हैं। इस फिल्म में एक चीज चुभती है कि उत्तराखंड के रीजनल डायलेक्ट पर फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स और बेहतर काम कर सकते थे। इस फिल्म का बेस्ट सीन है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां दर्शकों को शाहिद कपूर का जबरदस्त मोनोलॉग काफी पसंद आएगा। तो ओवरऑल हम इस फिल्म को रेटिंग देते हैं 2.5 stars out of 5। आपका इस फिल्म पर क्या राय है कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।